हाँ जी गुड मॉर्निंग, सही करा आवाज थोड़ी और। वेशभूषा में ज्यादातर चीजें पता ही है, कोई दो चार पगड़ी पुरुष बांधता ही है, अंगरखी पहनी जाती है ऊपर अंगरखी, अचकन जानते हैं, चोगा धोती, बिरचेस वो जो बैलून पैंट जो आजकल बैंड बाजे वाले पहनते हैं, वो सारी वो जो होती है वो ही। कमर बंदिया पटका शादी ब्याह के अंदर वो बांध लेते हैं यहाँ पे, कमर बंदिया पटका, ये दो तीन याद रखने। देखो पछेवड़ा घुग्गी और आत्म सुख, कौन कौन से? पछेवड़ा घुग्गी और तो पुरुष को आत्म सुख लेना हो तब क्या पहन लेता है? और एक एक है पछेवड़ा, एक है घुग्गी, तब पूछेगा आत्म सुख किसके द्वारा पहना जाता है? पुरुष, पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा? पुरुष। महिलाओं वाले में ओढ़नी कुर्ती कांचली ये तो पता ही, तिलका और दामड़ी, कौन कौन से? तो दो नाम अलग से, कौन से अपने? तिलका और दाम। तो इधर तो तीन कौन कौन से? वे पछेवड़ा घुग्गी और आत्म सुखी लिख लो, कोई नहीं अपने। इधर कौन कौन से है आपका? तिलका और अंगरखी, उधर आपके पुरुषों का है, इधर आदिवासियों में एक है अंगरखा, कौन सा है? अंगोच्छा, ये याद रखना है। कटकी, आगे इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया और पढ़ लेंगे अपने, एक याद रखने वाला अपने कटकी, कौन सा है? कटकी। एक नांदना या नांदड़ा, कौन सा है? ये आगे पढ़ते हैं, आगे वाले में देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। कच्छा बुरी है तो कई तो मेरे बताए हुए, आगे देखते हैं। देखो अपने अब थोड़ा देखते हैं, देखो अब ये पगड़ी रही है तो अपने को पता ही, को ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं। एक याद रखना है, जोधपुर में एक पगड़ी होती है उसको बोलते हैं खिड़की पाग, क्या बोलते हैं? खिड़किया पाग। तो कोई पूछेगा सिंपल सा, खिड़किया पाग कहाँ होती है? खिड़किया पाग कहाँ होती है? जोधपुर। सावण में लहरिया पगड़ी, सिंपल सी बात है, सावण में लहरिया ओढ़ते हैं तो पगड़ी भी कैसी होगी? लहरिया। शादी के टाइम में मोखड़े की पगड़ी, मोठड़े की, कौन सी होती है? ये कोई पूछेगा मोठड़े की पगड़ी कब बांधी जाती है? तो कब बांधी जाती है? कब बांधी जाती है? शादी के टाइम। दशहरे पे बधील, कौन सी पगड़ी है? और होली पे फूल पत्ती, कौन सी पगड़ी है? फूल। अब वापस बताओ, देखिए सावण में आवाज थोड़ी कम करिए, आवाज आवाज कम। सावण में कौन सी? शादी में कौन सी? दशहरे पे कौन सी? बधील। और होली पे कौन सी? फूल पत्ती। वाल मैं ऊपर लिख दूं, नाम लिख दूं इनके, लहरिया, मोठड़ा, बधील और फूल पत्ती। ये थोड़ी जाति विशेष में लिखी हुई है कि सुनार जो होते हैं वो अंट, अरे कम करनी है, कम कम। सुनार जो होते हैं वो अंटे वाली पगड़ी बांधते हैं, कौन सी बांधते हैं? और जो बंजारे होते हैं वो मोटी पट्टीदार पगड़ी, कौन सी बांधते हैं? मोटी पट्टेदार पगड़ी बांधते हैं। फिर मेरी ये कई बताई हुई है अटपटी पगड़ी, आपको बताई हुई है मेवाड़, अटपटी पगड़ी कहां पे? बाकी केवल नाम नाम है, ज्यादा कोई याद करने वाली बात नहीं। वापस बताओ, देखिए सावण में लहरिया और आपके शादी ब्याह में दशहरे पे और होली पे फूल पत्ती, सुनार कैसी? अंटे वाली, बंजारे कैसी? मोटी पट्टेदार, मेवाड़ की पगड़ी कौन सी? अटपटी, थोड़ा अलग से नाम है अटपटी वाला, याद रखना। अंगरखी हो गया, पुरुष के ऊपरी भाग में जो वस्त्र पहना जाता है अंगरखी, इसके अलग कई कई नाम है। देखो अंगरखी को बोलते हैं बुगतरी, क्या बोलते हैं? तन को सुख देता है तो नाम क्या है? तन सुख। इसी का नाम दे रखा दुतई, क्या दे रखा है? इसी का नाम है मिर्जाई, क्या नाम है? घाबा, तो वैसे ही बोलते हैं कपड़ों, घाबे कहते हैं नॉर्मली, कपड़ों कहते हैं घाबा। और भाई ये पहने के बाद बंदा गदर लगता है, गदर शानदार लगता है, इसलिए नाम क्या इसका? गदर। तो अंगरखी के नाम क्या क्या हो गए? बुगतरी, तन सुख, मिर्जाई, घाबा, गदर, कौन कौन से हो गए? अंगरखी, बुगतरी, तन सुख, मिर्जाई, ई वाली मात्रा है जी, अंगरखी, मिर्जाई, बुगतरी, दुतई, दो ही तो नाम याद, तन सुख तो याद रह जाएगा, गदर, गदर याद कैसे नहीं रहा? अचकन, वही पुरुषों द्वारा ऊपरी भाग जो लंबा लंबा पैरों तक चला आता है अचकन, मुस्लिम समुदाय में इसका उपयोग प्रचलन ज्यादा, ये थोड़ा सा याद रखना। और अचकन ये मध्यकाल की ड्रेस थी अपने, अचकन बाद में आई हुई ड्रेस थी। चोगा, लंबा आस्तीन वाला घेरदार परिधान चोगा होता है, अंगरखी के ऊपर पहने, धोती जानते ही।
ब्रिजेस जानी के चूड़ीदार आमतौर पर घुड़सवारी एवं, तो ये वास्तव में तो घुड़सवारी की ड्रेस ही थी। सर प्रताप जोधपुर में प्रधानमंत्री हुए, सर प्रताप एक बार गए हुए थे लंदन, और लंदन किसी कार्यक्रम में भाग लेने गए थे, उनके जो कपड़े थे वो खो गए जो उनको कार्यक्रम में पहन के जाने थे, तो उनके पास वो अपने घोड़े पे वाली ड्रेस थी वो पड़ी थी, तो वो घोड़े वाली ड्रेस पहन के चले गए, ब्रिटिश पहन के चले गए, और लोगों ने बड़ी तारीफ कर दी, लोगों ने कहा अरे यार शानदार लग रहे हो, क्या अच्छी पहन के, उसके बाद वो ड्रेस ही बन गई। इसलिए आज भी यदि आप गूगल पे जोधपुर लिखेंगे तो ब्रिटिश आ जाएगी, तो ये फेमस ही भी। और बाद में 1902 में वहां राजा का रानी का कोई राष्ट्रतिलक समारोह था, उसमें अपने बीकानेर वाले गंगा सिंह और सर प्रताप दोनों गए थे, तो ये वो ब्रिटिश वगैरह पहन के जोधपुरी कोट पैंट पहन के गए थे। तो बाकायदा लंदन की सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने उन दोनों का फोटो खींचा और उस पर डाक टिकट जारी किया, कह रहे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने फूट रहे लग रहे हैं, तो ये कपड़े ही बाद में फेमस हुए, और ये जोधपुरी कोट पैंट तो बाद में इंटरनेशनल ड्रेस ही होगी, अरे कोई बाद में वो बंद गड्ढे वाले कोट पैंट पहन लगे, तो ये सर प्रताप के फेमस किए हुए पहले से, तो वो आपके आमतौर पर घुड़सवारी के टाइम पहनते, कमर बंदिया पटका, कमर पे बांधे जाने वाला, इसमें तलवार लटकाते थे, तलवार लटकाने वाला जो होता है, पछेवड़ा याद रखना, मोटे कंबल की तरह का वस्त्र होता है जो सर्दी के दिनों में ओढ़ने के काम आता है ना, सर्दी के दिनों में ओढ़ने काम आए, वो कौन सा आपका, सर्दी में घुगी, घुगी बंदी रहती है आदमी की, तो सर्दी में आदमी क्या बन ले, घुगी, तेज सर्दी में आत्मा को सुख तभी मिलेगा, नॉर्मल सर्दी में पहन लो पछेवड़ा, और ज्यादा ठंडे तो पहनो घुगी, और ज्यादा तो आत्म सुख, तो कौन कौन से हो गए, पछेवड़ा घुगी आत्म सुख, नाम बताओ देखे, आत्म सुख आ गया सर्दी के अंदर, ये तो ये आत्म सुख तो कश्मीरी फिरन नहीं होता, कश्मीर वाला जो आता है वो लंबा सा उस जैसा ही होता है। इसके बाद आगे महिलाओं वाले ओढ़नी, अब ओढ़नी में तो क्या है, थोड़ा सा अलग प्रकार पढ़ लेते हैं ओढ़नियों के प्रकार, जैसे पोमचा लहरिया मोठड़ा लूगड़ा, कौन कौन से, वे पोमचा लहरिया मोठड़ा और लूगड़ा। लड़के का जन्म हो तब तो पीला पोमचा, लड़की का हो तब गुलाबी पोमचा, तो लड़कियों का पिंक कलर तब से है, मतलब होते ही आपको गुलाबी पोमचा पहनना पड़े, और इधर लड़का हो तब क्या हो जाए पीला, तो अपने गीत है पीलो ओढ़ पोमचो ओढ़ो, तो पीला पीले रंग का पोमचा भी पीले रंग का ओढ़ते हैं, तो पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है जिसका अर्थ है कमल के फूल के अभी, ये कमल है कमाल नहीं कमल, कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी जो नवजात शिशु की माँ के लिए उसके मातृपक्ष की तरफ से आते हैं, पीहर वाले लेके आते हैं, पुत्र जन्म पे पीला पोमचा और पुत्री जन्म पे गुलाबी पोमचा, लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक। लहरिया श्रावण मास में होता है, ये पता ही, लूगड़ा विवाहित महिलाएं जो पहनती है वो कौन सा आपका लूगड़ा। होली के अवसर पे फागणिया याद रह जाएगा, फागण के महीने में फागणिया लहरिया और लाल रंग की ओढ़नी, वो जो फागणिया लहरिया होता है उसको बोलते हैं दामणी, क्या बोलते हैं, तो होली के अवसर पर जो फागणिया लहरिया पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं, दामणी। ये तो पचरंगा लहरिया अलग अलग प्रकार के, नहीं पट नहीं और बाकी कुछ याद नहीं करना, इतनी बातें याद करनी है। तो ओढ़नी के अंदर अपने याद रखने वाली चीज बात यही है कि पोमचा एक याद रखना है, लड़के के जन्म पे पीला पोमचा और लड़की के जन्म पे, और होली के टाइम में जो पोमचा ओढ़ते हैं या जो लहरिया ओढ़नी ओढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, दामणी, क्या बोलते हैं, दाम। और विवाहित महिलाएं जो पहनती है वो कौन सा होता है, लूगड़ा। कुर्ती कांचली अपने को पता है, इसमें क्या पढ़ना है, तिलका मुस्लिम महिलाओं का एक वस्त्र है, उधर पुरुषों में तो अचकन और महिलाओं में क्या है आपका, तिलका। दामड़ी, दामड़ी अभी ऊपर वाला ये दामड़ी देखा था, मारवाड़ की स्त्रियां लाल रंग की ओढ़नी, इस पर धागों की कसीदाकारी होती है, दामड़ी कहा जाता है, वही महिलाओं का दामड़ी उधर होली पे, और नॉर्मल जो है वो आपका कौन सा दे रखा है, दामड़ी। ये आदिवासियों वाले ये थोड़े देख लेते हैं ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, इनसे सवाल बनते हैं, उधर से कभी सवाल नहीं आता। उधर अंग रखी पड़ी थी पुरुषों के अंदर, इधर क्या आपका, आपका अंग रखी की और क्या क्या नाम बताते थे, बुगतरी मिर्जाई दुतई घाबा गदर है ना, और तनसुख, तनसुख। और कम सर्दी पड़े तो पछेवड़ा, और सर्दी पड़े तो घुग्गी, और पड़े तो आत्मसुख। इधर अंग रखा पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर पहना जाता है, वही वैसा ही जैसे बाकी होता है, सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है सुंदर बनाने, कुछ याद नहीं, अंग रखा याद रखना। अंगोच्छा सिर पे बांधते हैं जी, सर ही बांधते हैं अपने, इसके किनारों पे कंगूरे छपे होते हैं, सिर पे लेते हैं ना, नॉर्मल जो साफा वाफा भी रखते हैं उसको अंगोच्छे ही बोलते हैं घरों में, अंगोच्छे ये याद रखना। देखो कटकी, कुंवारी लड़कियां जो पहनती है सिर पे उसको बोलते हैं कटकी, क्या बोलते हैं, तो कुंवारी लड़कियों द्वारा जो सिर पे को चुन्नी वुन्नी ली जाए उसको क्या बोलते हैं, कटकी।
ये एक बार सवाल पूछा हुआ, नांदना या नांदड़ा, ये आदिवासी महिलाओं की सबसे पुरानी कोई पोशाक है तो वो कौन सी है, नांदना या नांदड़ा। नीले रंग की छींट होती है, इसमें तितली भांत के चतुष्कोण बने होते हैं, तितली जैसे चतुष्कोण बने होते हैं, तो ये याद रखना। नांदना आदिवासी महिलाओं की सबसे प्राचीनतम पोशाक कौन सी है, नांदना या नांदड़ा। किस रंग की छींट होती है, नीले रंग की, और किस प्रकार के चतुष्कोण होते हैं, तितली, तितली प्रकार के। रेन साई महिलाओं की एक साड़ी है, नाम क्या होता है उसका, रेन साई, रेन में बचाती हो, रेन में बचाई इसलिए नाम क्या है, नाम है जी रेन में, तो क्या बचाती है, जाम साई। विवाह के अवसर पर आदिवासी महिलाएं पहले वो कौन सी होती है, जाम। नॉर्मल साड़ी रेन साई, शादी के टाइम में पहने वो कौन सी हो जाए, जाम। घाघरा होता है कच्छाबू महिलाओं का, भील महिलाओं का कच्छाबू होता है, जनजातियां पढ़ेंगे तब, और पढ़ी होगी आपने, पढ़ी तब ये पढ़ी थी। आगे फूंदड़ी कौन सा, उसमें चतुष्कोण बने होते हैं, इसमें इसमें षटकोणीय, षटकोणीय आकृति में तारे बने होते हैं, तारे बने होते हैं षटकोणीय आकृति के, इसलिए इसका नाम ही क्या हो गया होगा, षटकोण मेरे से बन नहीं रहा, और षटकोणीय बने होते हैं वो कौन से होते हैं, फूंदड़ी। केरी भांत की ओढ़नी, केरी छोटे आम को केरी बोलते हैं, तो इस ओढ़नी के किनारों एवं पल्लू पर केरी छपी होती है, एवं मुख्य छोटी छोटी बिंदियां होती है। नॉर्मल कभी कोई क्वेश्चन पूछेंगे केरी भांत की ओढ़नी किसके द्वारा ओढ़ी जाती है, आदिवासी में कौन सी महिलाओं द्वारा, ये तो देखो एक मैं बताऊं, कभी कोई ऐसा ऑप्शन आए कि ये किसके द्वारा किया जाता है, और उसमें यदि आदिवासी ऑप्शन हो तो हमें आंसर है, कंठेश्वरी माता किसकी कुलदेवी है, राजपूतों की, ब्राह्मणों की, चारणों की, आदिवासियों की, याद हो भले ही नहीं हो, आदिवासी, यदि ऑप्शन में आदिवासी है तो हमेशा आंसर क्या है, कभी आंसर दूसरा ही नहीं, तो ये वैसे वैसे कैरी भांत की ओढ़नी भी कौन ओढ़ती है, अब सभी उनके जवार भांत, तारा, ये एक बार सवाल पूछा, तारा भांत की ओढ़नी कौन सी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है, तारा भांत की ओढ़नी भी तारे बने होते हैं इसलिए तारा भांत की ओढ़नी, इनमें कुछ याद करने वाला तो है नहीं। लहर भांत की साड़ियों का अलग अलग नाम, ये भी नहीं याद करने, अपने नहीं करने याद, यूं लिख दिए इन्होंने। अच्छा वापस देख लेते हैं, देखो वेशभूषा वाला एक बार, पुरुषों के, पुरुषों के इधर अपने को तीन याद रखने, पछेवड़ा, घुगी और आतम, पछेवड़ा, घुगी और आतम। महिलाओं की वेशभूषा में दो, तिलका और दामड़ी, जिसमें अभी पढ़ा तिलका तो मुस्लिम महिलाओं का, तिलका तो मुस्लिम महिला, दामड़ी हमने पढ़ाई था। आदिवासियों वाले में आगे देख लेते हैं, एक एक सारे पढ़ेंगे तब देखेंगे। पगड़ी में हमने देखा जोधपुर में कौन सी पगड़ी, खिड़की, कौन सी, खिड़की पगड़ी। फिर हमने पढ़ा कि सावण में लहरिया, शादी में मोठड़ा, दशहरे पे भदील, और होली पे सुनारों के आंटे वाली, बंजारों की मोटी पट्टेदार। अंगरखी का नाम दूसरे, बुखतरी, मिर्जाई, दुतई, गदर, गाबा, तनसुख। आजकल ने अपने पढ़ाया था मुस्लिम समुदाय में लोकप्रिय केवल इतना याद रखना, ब्रिजेश वाला बताई दिया था घुड़सवारी के टाइम जो पहनी जाती है, पछेवड़ा, कम सर्दी पछेवड़ा, ज्यादा सर्दी घुग्गी, और ज्यादा सर्दी आतमसुख। तलवार डालने के लिए कमरबंद या पटका कह दो। महिलाओं वाले में ओढ़नी, ओढ़नी के अंदर हमने पढ़ा कि पोमचा, लड़के के जन्म पे पीला, लड़की के जन्म पे कौन सा है, गुलाबी, और होली के टाइम में जो पोमचा है वो दामणी, कौन सा है, दामणी। तिलका मुस्लिम महिलाओं वाला हो गया, महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, दामड़ी, और तिलका दामड़ी दो ही तो याद किए थे, तो दामड़ी। अंग रखा पढ़ी लिया था हमने, अंगोचा, कटकी, कुंवारी लड़कियां जो पहने वो कौन सा है, कटकी। महिलाओं द्वारा नॉर्मल तो रेन साई, और शादी के टाइम में जो पहने वो कौन सी है, जान साई। सबसे पुरानी जो उनकी है वो कौन सी है, नांदड़ा या नांदड़ा, नीले रंग की छींट होती है, कैसी छींट होती है, नीले। कछाबू पढ़ी लेते हैं अपने, फूंदड़ी पढ़ा था, चीजें बाकी पहले बहुत नॉर्मल था, महिलाओं के लिए बोलते थे आ नाता आईडी है, आ नाता चले गई, तो नाता होता ही था, नाते में तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपने इसमें लिख रखा है कि भीलों और आदिवासियों में, बाकी सब में ही। अगला क्या आपका, जौहर और केसरिया पढ़ते हैं अपने, जौहर केसरिया क्या बताना है इनके, जौहर केसरिया हो गए। सती जानते हैं अपने, सती पर ये थोड़ा सा याद रख लेना अपने, अपने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाती है बूंदी रिया, कौन लगाती है, तो ये एक सोचने वाली बात है कि बूंदी ने रोक लगा दिया 1822 में, अंग्रेज लगा रहे थे 1829, मतलब अंग्रेजों से पहले अपने बूंदी वाले क्या लगा गए थे, रोक, तो बूंदी वालों ने सबसे पहले लगा दी थी। बाकी भी लिखे मैं किस किस ने, ये देखो आप और याद करो, मैं बताता हूँ, राम सिंह सेकंड के टाइम में जॉन लुडलो अपने सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध, मानव व्यापार पर रोक लगाता है, तो देख लो जयपुर में 1844 लुडलो का टाइम है,
जयपुर में 1844 साल, तो लुडलो ने लगाई थी, पढ़ते हैं ना लुडलो, लाडू जी। मानव व्यापार जानते ही अपने, मनुष्यों का क्रय विक्रय जो किया जाता है मानव व्यापार, वही जयपुर में 1847 के अंदर लिख भी रखा है, जॉन लुडलो ने रोक लगाई थी, वही याद रखना है केवल। समाधि प्रथा अपने जानते हैं, इधर भी जयपुर में लुडलो ही समाधि प्रथा पर रोक लगा गए, ये लो। तो जयपुर में सती प्रथा, समाधि प्रथा, ये सारी लुडलो की रोक लगाई हुई, मानव व्यापार, कन्या वध, समाधि, कोई भी व्यक्ति समाधि ले लिया करता था, कन्यावध, कन्यावध भी अपने को पता है, कन्यावध पे भी ये इधर लुडलो रोक लगाता है। वैसे सबसे पहले ये विल्किंसन था हाड़ोती में, कहां पर था, हाड़ोती, तब हाड़ोती ने रोक लगाई। तो सती प्रथा पे तो सबसे पहले रोक लगाती है बूंदी, और कन्यावध भी सबसे पहले रोक लगाता है कोटा, कौन लगाता है, कोटा। दागन प्रथा पढ़ते हैं अपने 1853 में, उधर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह दागन प्रथा पे रोक लगाते हैं, कहीं लिखा भी होगा, किसी भी महिला को डाकन घोषित करके गांव से बाहर निकाल दिया करते थे। त्याग प्रथा भी मेरी बताई हुई है कि राजपूतों में जब लड़कियों की शादी की जाती, विशेषकर सामंतों में, उस समय उनके जो भी संगीतकार वगैरह, कवि वगैरह जो भी उनके दरबार में होते, उनको रुपए देने पड़ते थे, उन रुपए को क्या बोलते हैं, त्याग, त्याग करना पड़ेगा, बांटने पड़ेंगे रुपए, इसलिए क्या बोलते हैं, त्याग। अपने पढ़ते हैं उधर वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, राजपूत हितकारिणी सभा बनाई, तो वो कहता है कि त्याग प्रथा को क्या किया जाए, बंद। तो त्याग प्रथा क्या है, वो जो रुपए त्याग करना पड़ेगा, रुपए बांटने पड़ेंगे, उसको त्याग। बाल विवाह जानते हैं अपने, बाल विवाह पे इधर तो रोक लग रही है आपके 1929, आपने तो 1885 में सर प्रताप ने लगा दिया, 1885 में सर प्रताप जोधपुर में बैन कर देता है, कहां बैन कर देते हैं, तो बाल विवाह पर अपने तो 1885 में जोधपुर में रोक लग गई थी। विधवा विवाह पता ही अपने को, ज्यादा बड़ी बात नहीं। चांदकरण शारदा की बुक है, बुक का नाम ही विधवा विवाह, चांदकरण शारदा की बुक का नाम क्या है, सागड़ी प्रथा का मुझे याद, एक बार सवाल था, सागड़ी प्रथा वैसे बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी जानते हो, किसी को भी मैं जबरदस्ती उसे बंधुआ बना लूं, उसको पैसे ना दूं और उसे काम करूं, वो क्या अपने आप में बंधुआ, किसी व्यक्ति को स्थानीय जमींदार साहूकार आदि के द्वारा उधार दी गई राशि के बदले उम्र भर नौकर के रूप में काम करने के लिए विवश किया जाता कि भाई ये सागड़ी में रहेंगे हमारे। 1961 में राजस्थान सरकार ने सागड़ी निवारण अधिनियम पारित करके बंधुआ मजदूरों को पूंजीपति जमींदारों और महाराजाओं के चंगुल से मुक्ति दिलवाई थी। तो सागड़ी, सागड़ी याद रखना, सागड़ी प्रथा पूछा हुआ एक बार सवाल, बंधुआ मजदूरी, हेलमो, वैसे हलमो नहीं है, हेलमो है, मिलजुल के खेत का काम कर लेते हैं, भीलों में होता है, मिलजुल के खेत का काम करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, हेलमो। इधर सेकावटी साइड में इसी को बोलते हैं लास, क्या बोलते हैं, ला। इन जोधपुर वालों से है सह बोला नहीं कहते, कहते हैं ला, आज हमारे ला करी, ला, ला का मतलब है मिलजुल के खेत का काम किया था, तो मिलजुल के खेत के काम को आदिवासी तो क्या बोल देते हैं, हेलमो, सेकावटी में कह देते हैं लास, और जोधपुर में क्या कह देते हैं, ला। झगड़ा, यदि कोई महिला अपने पति को छोड़ के बिना तलाक के दूसरे के साथ रहे तो दूसरे वाला उसके पति को रुपए देगा, इस रुपए को क्या बोलते हैं, झगड़ा राशि। दापा, दापा मेरा बताया, वधु मूल्य, पैसे दे के लड़कियां ले ली जाती है, वधु मूल्य जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये पढ़े हुए हैं अपने, या तो पढ़े हुए या मोताना, मौत के बदले में जो पैसे देने पड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना, तलाक, तलाक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना। नात्रा, विधवा महिला की दोबारा शादी होती है ना, विधवा पुनर्विवाह होता है उसको नात्रा बोलते हैं, आणो, आणो बोलते हैं, आणा या नात्रा बोलते हैं, ये थोड़ा याद रख लेना। कुकड़ी रस्म, महिलाओं से संबंधित सांसियों की एक रस्म है जी, और कुछ ही नहीं, जिन्हों आपके बी 13 वालों नहीं पढ़ रखी, मैं जनजातियां पढ़ाऊंगा तो बोर पढ़ा दूंगा। ये टीका जानते हो आप, नौकरी लगते मांगोगे सारे, दहेज में जो मांगते हैं टीका, तो टीका है। देखो लड़के वाले लड़की वालों से ले तब तो टीका, वैसा वर्षा उल्टा हो तब रीत, लड़की वाले लड़के वालों से ले तब क्या हो जाए, विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने उपहार तो क्या कहलाते हैं, रीत। विवाह निश्चित हो जाने पर लड़की के पिता या कन्या पक्ष की ओर लड़के को जो उपहार दिए जाते हैं वो कौन सा है, तो लड़के वाले दे वो तो सॉरी लड़की वाले दे वो तो टीका, और लड़के वाले दे वो, याद रखना। सामेला, सामने जाके बरात का स्वागत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सामने। पीठी, वो बीन बीनने के लगाते हैं ना, पीठ मसलते हैं, पीठी है वो अपने आप, शरीर पहले हल्दी, हल्दी आजकल तो आपने उसको भयंकर कर दिया यार, सारे पीले पीले कपड़े पहन के जो बैठे रहते हो तो वो गांव में पीठी है। फेरे, फेरे में तो क्या बताया जाए, सीख, विदाई, विदाई के टाइम,
विवाह बाद वर वधु एवं बरातियों को उपहार देकर विदा किया जाता था। गांव में कहते ये तो विवाह छोड़ो, नॉर्मल भी घर के अंदर अपने बहन बेटी आई हुई थी जाती देखकर सीख दो तो सीख देना। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा ओलंदी, अपने लड़की की शादी की, लड़की की शादी में एक कोई घर की महिला साथ में जाएगी उसके, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, वो ज्यादातर जो महिला होती है ना वो म्यूचुअल रिश्तेदार होती है भाई। जैसे भाई अपनी बहन की शादी की कहीं पर, तो वो जो होगी वो लड़के वालों की अपने दोनों तरफ रिश्तेदार होगी भाई। ये जरूरी इसलिए था कि आप एक बच्ची को भेज रहे हो उसके ससुराल, वो वहां किसी को नहीं जानती, वो जाते किससे बात करेगी, किससे चीज मांगेगी कोई, तो साथ में एक महिला को भेजते। बाद में वो एक बार जाके आ जाती, जानने लग जाती, फिर नहीं भेजते। तो ओलंदी, लड़की के साथ विदाई के समय एक महिला और कोई साथ में जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जानोटन, जान जान बारात को कहते हैं। बारात को खाना खिलाओ, जानोटन, बारात को जो खाना खिलाया जाए वो क्या है? विवाह के दौरान वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। जब बारात चढ़ने लगती है, जान चढ़ने लगती है, तो वर पक्ष वाले जो खाना खिला रहे हैं वो कौन सी होगी? जान, जान मतलब बारात, जान मतलब। ये भी अपने राजस्थान वाले भी इसको जान बोलते हैं, हरियाणा में इसको जान कहते हैं, पंजाब में इसको जान कहते हैं। ये अपने इस पूरे बेल्ट में ही बारात को जान बोला जाता था। इधर नहीं बोलते, इधर बारात बोलते हैं। इधर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, पंजाब के टच करता भाग हरियाणा, इस पूरे बेल्ट के अंदर इसको जान ही कहते हैं। मौसर, मरने पर जो खाना खिलाया जाता, मृत्यु भोज वाला खाना होता, कौन सा है? देखो और सुनो, बात सुनना। हिंदी का एक वर्ड होता है अवसर, अवसर की हिंदी कर लो, सॉरी राजस्थानी करोगे तब होती है औसत। क्या होता है? औसत। मरने के बाद में खाना खिलाया जाए तब तो बोलते हैं मौसर, जिंदा के खाने खिलाया जाए उनको बोलते हैं जोसर। मृत्यु का अवसर मौसर, जिंदा रहते हुए खाना खिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते करते हैं? ये भी करते हैं कि भाई हम नॉर्मली ये मानते हैं कि मरने के बाद में खाना इसलिए खिलाना चाहिए क्योंकि उस व्यक्ति के नाम से खाना खिलाया जाएगा तो ये दान पुण्य उसके काम आएगा और उसको स्वर्ग में जगह मिलेगी। कई बार ऐसा किया जाता है कि यार जिस बंदे का मौसर करना है, मरने के बाद करना है, क्यों ना उसके हाथ से करवा दिया जाए, उसके जिंदा रहते करवा दिया जाए, अपने हाथ से जितना वो करना चाहे उतना बांट के जाए, तो वो बाद में जो पहले कर लेते जिंदा रहते वो क्या हो जाता है? तो बारात को वर पक्ष वाले खाना खिलाते हैं वो तो कौन सा है? जानोटन। मृत्यु के अवसर पर खाना खिलाया जाए मौसर, और यदि किसी जिंदा व्यक्ति का इस प्रकार का खाना खिलाए तो कौन सा है? जोसर। मुखदणा, बारात वो ब्याह ठहर गया भाई अब शादी होने वाली है, लकड़ियां लेके आते हैं, जो भोजन बनाने के लिए जो लकड़ियां लाते हैं उनको बोलते हैं मुखदणा। क्या बोलते हैं? ये सवाल पूछा भाई, मुखदणा क्या होता है? तो मुखदणा क्या होता है? भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां काम में ली जाती है उनको क्या बोलते हैं? बांध बैठने के बाद, बांध बैठना समझ गए, घरों में बांध बैठता है, विनायक जी की स्थापना कर दी उसके बाद में जो आता है उसको क्या बोलते हैं अपने? मुक्त। बडहार, विवाह के टाइम में दिया जाने वाला जो प्रति भोज वाला अपने होता है उसको क्या बोलते हैं? बडहार। जानोटन, बडहार। ओके, वापस देख लो, ये तो सारे सिंपल से, इनमें तो कुछ ही नहीं है। ये आगे पहला कौन सा आपका? नाता। महिला किसी और के साथ में जाके रहने लग जाती है उसको क्या बोलते हैं? वापस देखना, महिला अपने पति के जिंदा रहते किसी के साथ में जाके रहे नाता, विधवा की शादी की जाए नात्रा, आनाया नात्रा, वो फिर अलग है। केसरिया जोहर पता ही है अपने को, सती प्रथा में याद रखने वाला है कि बूंदी ने रोक कब लगाई थी? 1822। जयपुर कब लगा रहा है? 1844। मानव व्यापार पे जयपुर रोक लगाता 1847। कौन लगाता है? लुडलो। समाधि भी जयपुर को रोक लगा था 1844, वही लुडलो सब जगह। इधर आपके कन्यावत पे रोक लगाई थी कोटा वालों 1834, विल्किंसन लगाता है। डाकन प्रथा पे 53 स्वरूप सिंह अपने पढ़ी लेते हैं। त्याग प्रथा, लड़की की शादी के टाइम में जो भी संगीतकारों को कवियों को रुपए बांटे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? त्याग। बाल विवाह जोधपुर वालों ने कब रोक लगा दी? 1885। किसने लगाई थी? सर प्रताप। किसने लगाई? सर। विधवा विवाह अपने को पता ही है, चांदकरण शारदा की बुक का याद नाम रखना, क्या नाम उनकी? विधवा। सागरी प्रथा, जबरदस्ती काम करवाने क्या बोलते हैं? और बेसिकली कर्जे के बदले, वो तो बेगार भी हो सकती है, बेगार भी है, जबरदस्ती काम करवाना तो बेगार भी है, लेकिन मैंने आपको कर्जा दिया, आप कर्जा नहीं चुका पाए, अब मैं कहूंगा मेरे घर पे काम कर। ये बंधुआ मजदूरी जो, इसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे? सागरी। क्या बोलते हैं? हेलमो, सामूहिक काम जो किया जाए हेलमो। सेकावटी मिश्री क्या कहते हैं? लाश। झगड़ा, कोई महिला दूसरे के साथ रहने लग गई बिना तलाक दे के रहने लग गई तो वो जो पैसे देगा उसको क्या बोलेंगे? झगड़ा। भाई इससे झगड़ के गई है तो इसको झगड़े के रूप में मिले, तो ये क्या हो गया? झगड़ा। लड़की के पैसे दिए जाए वधू मूल्य जो, उसको क्या बोले? दाप।
मरने के बाद में रुपए दिए जाए, मौत आना। तलाक को क्या बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना। विधवा महिला की शादी कर दे, नातराय होना। सांसियों के अंदर जो एक महिलाओं की रस्म होती है, कुकड़ी पढ़ते हैं अपने उधर जनजातियों। लड़के वाले सॉरी लड़की वाले दे तो टीका, लड़के वाले दे तो रीत। सामने जाके स्वागत करो, हल्दी लगाओ, पीठी फेरा सीख, विदाई जो होती है लड़की की, विदाई के टाइम में साथ में कोई महिला अपने परिवार की जाए उसको क्या बोलते हैं? ओलंदी। लड़के वाले जो खाना खिलाए वो क्या है? मरने के बाद में खाना खिला दे मौसर, जिंदा रहते खाना हो जो सर। और लकड़ियां जो होती है खाना बनाने वाले क्या होती है? मुगदड़ा। और जो खाना दिया सामूहिक प्रतिभोज जो दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? बड़ा हाथ। ये हो गया आपके सामाजिक रीति रिवाज। हाँ जिगड़ी वही है, जोसर को गांव में कई जगह जिगड़ी कहते हैं, जोसर को बोलते हैं जिगड़ी। तो इधर मैंने कहा जोसर सुना, इधर सकावड़ी साइड में इसको जिगड़ी कहते हैं, तो जिगड़ी कह दो बोले जोसर कह दो। वापस बताओ, देखिए फोलरी और गोलमा कहां पहनते हैं? कहां पहनते हैं? अच्छा बगल के अंदर कौन सा बजाया जाता है? कौन सा बजाया जाता है? बपंग। और घुटनों के बीच में? दुकाखो। कौन सा? और पैरों पे रख के? दहाक। गले में लटका के? कौन सा? अमीर महिलाएं गले में पहनती है उसको सोमरगी। क्या बोलते हैं? सोमरगी बोलते हैं। अच्छा नारियल की टोक्सी लगी होती है वाद्य यंत्र कौन सा? रावण हत्ता। अच्छा सागवान की लकड़ी का क्या बना होता? सारंगी बनी होती है। अच्छा सुरिंदा जो होता है वो किस किस का? किसका? अच्छा डोसा, डोसा होता है किसकी लकड़ी का? फ्रांस और आम। फ्रांस और आम की लकड़ी का और क्या बना होता है? कमायचा। कौन सा? कमर। कितने जॉइंट होते हैं? जॉइंट नहीं होते। अच्छा एक वाद्य यंत्र जिसमें दो बांसुरी होती है, एक में चार और एक में सात, कौन सा? अलगोजा। सांप को बाहर निकालने के लिए? अच्छा होठों के बीच में रख के? कौन सा होता है? मोरचंग। गले में लटका के? जंतर और ताशा। ताशा कौन बजाते हैं? मुस्लिम से। मुस्लिम से महिलाओं की जो इधर महिलाओं के कपड़े थे उनमें कपड़ा कौन सा पड़ा? तिलका। कौन सा? तिलका। और पुरुषों का कौन सा पड़ा? अचकन। अच्छा अंगरखी के दूसरे नाम बताओ और क्या क्या नाम? बुगताई, दुताई, मिर्जाई, गदर, गाबा, तनसुख। थोड़ी थोड़ी ठंड हो तो पछेवड़ा, थोड़ी ज्यादा हो तो और ज्यादा हो तो आतमसुख। कौन सा है? आतम। अच्छा दशहरे पे किस प्रकार की पगड़ी बांधी जाए? बदील। कौन सी? बदील। शादी के टाइम में? मोठड़ा। सावन में? लहरिया। और होली पे? सुनार। कैसी बांधे? आंटे वाली। और बंजारे कैसी बांधे? अच्छा और अटपटी पगड़ियां कहां पे? और खिड़की पगड़ी कहां पे? जोधपुर। सती प्रथा पे सबसे पहले रोक कहां लगी? बूंदी। कन्यावत पे कहां लगी? डाकन प्रथा पे कहां लगी? कहां पे लगी? मेवाड़। विधवा पुनर्विवाह किया जाए उसको क्या बोलते हैं? नातरा। नातराया आना। महिला अपने पति को छोड़कर और किसी के साथ रहे और उस पति को पैसे देने पड़े तो क्या बोलते हैं? झगड़ा। तलाक लेके जाए तो सांसियों में महिलाओं की एक रस्म होती है उसको कुकड़ी। क्या कहते हैं? कुकड़ी कहा जाता है उसको। और जिंदा व्यक्ति के यदि मृत्यु बोझ किया जाए जोसर। क्या है? जोसर। और जो लकड़ियां लाते हैं शादी में खाने बनाने मुखदना। क्या है? अच्छा लड़की को जो विदाई के टाइम में उपहार दे उसको और साथ में एक महिला जाए वो ओलंदी। क्या बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं उसको। अच्छा ये केरी बांध की ओढ़नी, जवार बांध की ओढ़नी है आदिवासी महिला। कौन सी? आदिवासियों के सबसे पुराने कपड़े कौन से? नांदना। कैसे रंग की छींट होती है? नीले रंग की। क्या बने होते हैं? तितली के प्रकार के चतुष्कोण बने होते हैं उसके ऊपर। अच्छा और बताओ देखे उनके। और कटकी, कटकी कौन पहनता है? अविवाहित लड़कियां। अविवाहित लड़कियां जो सिर पे पहनती है उसको क्या बोलते हैं? कटकी। कटकी बोलते हैं। अच्छा दामणी, दामणी किसका था? महिलाओं के जो कपड़े पड़े उनमें कौन सा आपका? दामणी। अच्छा घुड़सवारी के टाइम में कौन सी होती? कौन सी होती है? ब्रिटिश। अच्छा कहना भील क्या बजाता था? नड़। क्या बजाता? नड़। किसकी लकड़ी का बना होता है? कगोर। किसका? कगोर। अच्छा और बताओ देखिए आप, एक सर्पाकार नली होती है उसको क्या बोलते हैं? नागफणी। क्या बोलते हैं? बांकिया। कौन बजाते हैं बांकिया? सरगड़े। कौन बजाते हैं? सरगड़े बजाते। झांझ जो होती है, झांझ कौन से वाद्य कौन से नृत्य में? कच्ची घोड़ी। कौन से में? कच्ची, कच्ची घोड़ी में। अच्छा ताशा जो होता है वो कौन बजाते हैं?
मुस्लिम समुदाय के लोग। अच्छा और बताओ, देखिए चरी डांस में कौन सा वाद्य यंत्र होता है? थाली। कौन सा? अच्छा मृदंग और पखावज जो होती है वो कौन बजाते हैं? अच्छा रखन और चूंप कहां पहनी जाती है? कहां पे? दांत, दांत के अंदर पहने। हमेल हाखरो कहां? गले, गले के अंदर पहनी जाती है। अच्छा दामना कमर में नहीं। सटका और चोथ कमर के अंदर। गोखरू चोप चोप कहां पे? नाक। बेसरी नेवरी, नेवरी कहां पर है? अच्छा पीपल पत्ता अगोनिया कान में भी, कौन से हिस्से में? ऊपरी हिस्से में। गोफण बालों की जो लट होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? गोफण, गोफण बोलते हैं उसको। चलो और देखते हैं आगे, एक बार और क्या है ये तो अब याद हो ही गया आपको। और क्या इसके अंदर और बताओ?